ऑडियो और वीडियो क्लियर है, तुम प्लीज़ मुझे बताइए। शो तो हो रहा है, मैं लाइव आ गई हूँ, लेकिन अभी तक कोई कमेंट्स वगैरह यहाँ रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो पता नहीं चल पा रहा। कुछ भी बोलना शुरू करो। कमेंट्स क्योंकि नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए भी पता नहीं चल रहा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम लाइव है तो इसलिए मुझे खास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं इसमें एक अच्छा आ गए कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम उज़ैफ़ा, वालेकुम सलाम वहाज, वालेकुम सलाम उमर, वालेकुम सलाम और सलाम इन पीस, वालेकुम सलाम मुबशर अहमद, वालेकुम सलाम हाय हर्षल, और कौन कौन है यहाँ पर, नबील, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम आप सबको, वालेकुम सलाम, बहुत सारे हैं। अच्छा मैं वहाज पूछ रहे, मैं कहाँ गुम हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, और अभी मेरा क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक हुआ है तो अब मैं कोशिश करूँगी फ्रिक्वेंटली व्लॉग्स बनाऊँ। कपड़े कहाँ से सस्ते मिलते हैं, कपड़े तो आप मेरी बाकी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें आपको पता लग जाएगा, मैंने काफ़ी ऐसी मार्केट्स वगैरह बताई हुई हैं, सजेस्ट की हुई हैं जहाँ पर कपड़े सस्ते मिलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि और नई जगहों को देखूँ और फिर जो भी मुझे अपडेट मिलती है वो मैं आपसे आप सबके साथ शेयर करूँ। अच्छा एफ के स्टेटस स्टूडियो, वालेकुम सलाम, आप पीजिए ईद के आप बाद आफ्टर आप आज देखा है। असल में कमेंट्स इतनी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं तो मैं आप सबके सलाम का अगर जवाब ना दे सकूं तो इसलिए मैंने एक साथ कह दिया था वालेकुम सलाम, तो प्लीज़ मैं नाराज़ मत होइएगा। अच्छा अब आपने पूछा है कि ईद के बाद देखा आपको, अच्छा ईद के बाद मैंने नहीं, मैंने व्लॉग्स तो बनाए हैं उसके बाद, आपने व्लॉग्स नहीं देखे होंगे। अच्छा हाय हेलो जी, मैं कराची से हूँ। अच्छा ईद वाले व्लॉग्स आते हैं ऑन ईद विद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? मैं नर्वस नहीं हूँ, असल में ये मेरा फर्स्ट लाइव है और पता ही नहीं चल पाता ना कि कमेंट्स इतने जल्दी जल्दी ऊपर चले जाते हैं तो उसकी वजह से। अच्छा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने पबजी मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, वरना मुझे गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरे पास वाकई टाइम नहीं होता कि मैं गेम वगैरह जाकर खेल सकूं, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है वैसे। अच्छा रियान जहीर, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन शायद मैं नाम से ना पहचान रही हूँ, शायद मुझे याद आ जाए बाद में। प्लीज़ से माई नेम हाजिक, नहीं नजनीन यूनुस। अभी सही है, अभी सही है। अभी थोड़ा पीछे चल रहा है ना हमारे पास। अच्छा मानी भाई के फार्म जाए, मानी भाई के फार्म मेरा जाना हुआ तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया मैं नॉर्मल व्लॉग्स ही नहीं बना पा रही हूँ, तो इतनी दूर दूर जाना तो वैसे ही मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं थोड़ा फ्रिक्वेंटली अपने चैनल की तरफ थोड़ा फोकस करके काम करूँ और जल्दी जल्दी से आप लोगों को व्लॉग्स देती रहूँ बनाकर, क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ा बिज़ी थी तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब करूँगी। बहुत शुक्रिया मुबशर अहमद आपका। अच्छा पता नहीं बहुत सारे लोग मुझे ऐसे ही कहते हैं कि उसकी बेटी आपके जैसी है, ये आपके जैसी है, वो आपके जैसी है। अच्छा अभी और किसका कमेंट है, आप लोगों के जो जो सवाल आते हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं आप लोगों को फ़ौरन जवाब देती रहूँगी। आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम योर सब्सक्राइबर फॉर अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू तौसीफ़ खान। मेराब, मेराब अली है या मीरा अली है आपका नाम, मैंने ले लिया जो भी है अब।
मेरा कमेंट इग्नोर, नहीं मैंने आपका कमेंट इग्नोर नहीं किया, एफ के स्टेटस स्टूडियो, मैंने आपको एक बार देखा था। अच्छा ओके, हशमत एंड सन्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो नहीं आऊँगी, मैं तो अब एक्टिंग नहीं करती हूँ क्योंकि, इसलिए बाकियों का मुझे नहीं पता। बाकी फिर आ रही हैं दोबारा रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा खाने। कौन सा रेस्टोरेंट है आपका शेफ़ खिज़र? मैं आ चुकी हूँ पहले, पता नहीं इतने सारे विज़िट किए तो उसके पता ही नहीं चलता। अच्छा ओके, असल में हम आपको खिज़र दूसरे नाम से जानते हैं इसलिए मैं पहचान ही नहीं, सॉरी। इंशाल्लाह मैं आऊँगी, इंशाल्लाह मैं खिज़र मैं आऊँगी आपकी शॉप पे बहुत जल्दी। हम फिर से नहीं आए, आएंगे ना, आएंगे हम फिर से आएंगे। जो जो आप लोग जानते हैं मेरी बहन को, आप उनको जाकर उनके चैनल पे बोलिएगा कि क्यों नहीं आकर बैठी मेरे साथ लाइव में, मैंने उनको बोला था कि आ जाएं मेरे साथ। बहन का नाम भी है आमरा जावेद, जिनका चैनल है मीट आमरा के नाम से। आपकी ट्विन सिस्टर कहाँ है? वो मेरे सामने बैठी हुई है लेकिन वो लाइव में नहीं आ रही है। और हाँ ट्विन सिस्टर नहीं है वो मेरी। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा मौसम ऐसे ऊपर नीचे चल रहा था, थोड़ा गला ख़राब हो रहा था क्योंकि कल मैंने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह खा ली थी, लेकिन अब मैंने दवाई ली है तो बेहतर है। मैं अच्छा, आप मेरे नए नए सब्सक्राइबर हैं चौधरी उमर मेरे ख्याल से, तो सारी वीडियोज़ देखिएगा फिर मेरी, और सारी वीडियोज़ पर मुझे आपका कॉमेंट चाहिए। अच्छा जैसे किसे वायरल होते हैं कोई आइडिया दें? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती आफ्ताब हुसैन, ये बिल्कुल ये तो किस्मत की बात है, कोई भी चीज़ क्लिक कर जाती है और वायरल हो जाती है फिर। फिर आपकी वीडियो देखता हूँ दुबई से। अच्छा ओके, कैसे मैम, कैसे मैम क्या? आई एम ओल्ड सब्सक्राइबर मकसूद अली, बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से हैं? मैं कराची से हूँ। हाँ जी बिल्कुल खज़र, हम ज़रूर आएंगे आपके रेस्टोरेंट पर। आप यहाँ बताएं मुझे आपका रेस्टोरेंट किधर है, मैं अभी यहाँ से आपके रेस्टोरेंट की प्रमोशन करती हूँ, रुकिए ज़रा। आपको हशमत एंड सन से फेम मिला? फेम ज़ाहिर है जब आप किसी प्रोग्राम का पार्ट होते हैं तो मिलता ही है, और ख़ास तौर पे जब इतना ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिल रहा हो कंटिन्यूसली तो फेम तो फिर मिलता ही है। हाँ लेकिन मैं हशमत एंड सन्स से पहले भी एक्टिंग करती थी, और हशमत एंड सन्स जब बीच में रुका तब भी मैं एक्टिंग ही करती थी, लेकिन खैर अब मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ। तो क्योंकि आप जिस भी चीज़ का पार्ट बनते हैं तो फिर फेम तो मिलता ही है उससे। खैर किया हुआ है फैसलाबाद। अच्छा देखती हूँ मैं फैसलाबाद, नहीं मैंने विज़िट नहीं किया हुआ। कहाँ है मुझे नज़र नहीं आया उसका कॉमेंट। ओह अच्छा कोमल, आप बता दीजिए आपका पेज किस नाम से है, मैं बता देती हूँ यहाँ पे सबको। तौसीफ़ साहब, मैंने शोबिस छोड़ दिया, मैं सिर्फ जो है व्लॉग्स बनाती हूँ अब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत देर में एहसास हो रहा है कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अरे इसको रख दो ना किसी उस पर ना। अच्छा, ला दूं, कोई बॉक्स ला दूं? हाँ ला दें अगर हो जाए तो। लाइक योर बिस्मा रोल, बहुत शुक्रिया आपका। लैपटॉप पे रखा, हम सेटिंग कर रहे हैं कि मोबाइल हाथ से ना पकड़ना पड़े किसी तरह, कुछ ऐसा हो जाए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सही है। ठीक है बैक कैमरे पे आ गए हम। आप ए आर वाई के ड्रामास में क्यों नहीं आती? आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैंने ए आर वाई की ही ड्रामास बहुत ज़्यादा किए हैं। उसके अलावा अगर चैनल्स को देखा जाए तो जियो वगैरह के भी किए हैं, लेकिन ए आर वाई के ज़्यादा किए हैं। अब क्योंकि अजान हो रही है तो हम थोड़ा अजान का, पहले अजान का ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप चाय पिए मैं भी चाय पीती हूँ। ठंडी हो गई होगी चाय, मैं क्या करूँ अब इसका, मैं तब तक आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ।
मैं डेली व्लॉग यहाँ महीने में एक इतनी मुश्किल से आता है, कह रहे हैं डेली व्लॉग कोशिश करूँगी डेली व्लॉग। अरे भाई बोलो मीटा हमरा सब्सक्राइब करना चाहिए। आसान हो रही, आसान के बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ लाइव सेशन, तब तक आप कमेंट्स में सवाल लिखें। मैं लंबा एतकाफ नहीं, मैं एतकाफ में नहीं बैठी थी। आपकी शादी हो गई है, लोग तो शादी के बाद शोबिज छोड़ते हैं, तो इससे मतलब अगर शादी से पहले छोड़ दें तो कोई मसला है क्या? नहीं मेरी शादी नहीं हुई है अभी, आप दुआ करें जल्दी हो जाएगी। फिर फूड व्लॉग भी नहीं आता, डेली व्लॉग स्टार्ट करें आप। ओके आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई? नहीं मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा अभी सेमेस्टर ब्रेक है तो इंशाल्लाह हम की शादी के दिन बहुत करेंगे होगी तो सबको लाइव वीडियो दिखाएंगे हम उनकी शादी की। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, मेरी बहन है आमरा जावेद और पता नहीं बाहर पीछे बैठी हुई है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, चुप नहीं रह सकती। लेकिन बोला अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं, अजान ख़त्म हो जाए फिर। दुआ है, हाय दुआ, आप ही आप में परांदा डालती हैं क्या? परांदा नहीं, चौहर के रोज मोहम्मद भाई क्यों नहीं आते? अब डिमांड आ गई है मोहम्मद की खुश हो जाएगा स्क्रीनशॉट बनते हैं मोहम्मद मोहम्मद को जैसे आप लोग मिस करते हैं वैसे हम भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद बहुत मसरूफ़ है आजकल, हर कोई अपना करियर बना रहा है तो मोहम्मद भी वही काम कर रहा है, तो इस वजह से वो उसके पास टाइम नहीं है कि वो व्लॉग्स के लिए टाइम निकाल सके, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको किसी टाइम एडजस्ट करके लेकर आए, क्योंकि अजान हो चुकी है मेरी तरफ तो फिर अब हम कंटिन्यू करते हैं सारे सवाल। अच्छा जी कमेंट्स फिर से मैं आपके देख, अजान फिर से हो रही है, एक और अजान हो रही है चैलेंज वीडियोस का बनाना स्टार्ट करेंगी मैं इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया ना कि मैं बस अब जितना भी टाइम है ना मेरे पास, ये जो मेरा ऑफ मिला है एग्ज़ाम्स के बाद अभी, तो इंशाल्लाह मैं इसमें चैलेंज वीडियोस शॉर्ट्स और जितना भी सब मैं कर सकती हूँ इसी दफ़ा मैं कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना टाइम निकालना वीडियोस के लिए चैनल के लिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ज़ाहिर है वो सब वेट कर रहे होते हैं मुझे अंदाज़ा है, तो इस दफ़ा मैं अब आप लोगों के लिए काम करूँगी मैंने सोच लिया। सलाम अनम जावी, डेली व्लॉग्स क्यों नहीं आते हैं आपके? मैं आपको वीकली व्लॉग्स नहीं देती हूँ, आप कहती हैं कह रहे हैं डेली व्लॉग्स, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब जल्दी जल्दी व्लॉग्स बनाऊँ, डेली तो फिर भी नहीं कर सकती,
लेकिन कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी व्लॉग्स बनाऊँ. आई थिंक यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब इज़ गुड, एम आई राइट? अर्निंग तो देखें, किसी दिन मैं ना एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें अर्निंग का पूरा एक आपको बताऊँगी क्या सिस्टम होता है, किस तरह से होती है. तब ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, तो उसको अभी क्या बताएं. अच्छा जी, हाउ इज़ गोइंग योर शो, ये तो मैंने पढ़ लिया था. चलिए अब नीचे आ जाते हैं. डेली व्लॉग्स का तो जैसे मैंने बता ही दिया है अभी, वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता. आई ऑल्सो क्रिएट शॉर्ट्स चैनल, चैनल नेम इज़ स्माइलिंग सिक्स. ओके गाइज, जाइए आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. फिर हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, माशाल्लाह. काफ़ी अर्से बाद नज़र आई हैं, एतकाफ़ पर बैठी थी क्या? नहीं जी, मैं एतकाफ़ में नहीं बैठी हुई थी. काफ़ी अर्से बाद नज़र आने का रीज़न मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं अब जल्दी जल्दी नज़र आऊँगी. आपकी शादी हो गई है? शादी हुई नहीं है, आप लोग दुआ करें जल्दी से हो जाए. हशमत जैसा दो शो दोबारा आएगा क्या? पता नहीं, अगर आया भी तो मैं तो नहीं होंगी उसमें. बहुत सारे लोगों का फेवरेट है वो शो. फूड व्लॉग भी नहीं आते हैं, अब डेली व्लॉग स्टार्ट करें. फूड व्लॉग तो मैं करूँगी ना साथ साथ, तो मैंने आपको बताया फूड व्लॉग्स भी करूँगी. डेली व्लॉग्स तो नहीं कर सकती, लेकिन फूड व्लॉग्स पे काम कर सकते हैं. दुआ, हाय दुआ, मैंने पहले भी बोला था. अच्छा, आप परांदे डालती हैं? नहीं जी, मैं परांदे नहीं डालती हूँ, मैंने कभी डाले भी नहीं ऐसे. अच्छा, आप अपने घर से लाइव हैं? जी जी, मैं अपने घर से ही लाइव हूँ फ़िलहाल. जब जौहर के रोड्स बन जाएंगे ना, आप यकीन करें मैं भी बहुत खुश होंगी, मुझे खुद भी नहीं पता. मोमेद का तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, मसरूफ़ है मोमेद, इसकी वजह से जो है वो नहीं है हमारे साथ. लेकिन जैसे ही मोमेद फ्री होगा ना, तो उसे मैं सबसे पहले लेकर आऊँगी और आप लोगों से मिलवाऊँगी. अच्छा, छोटी सिस्टर, आई सी हर इन योर सिस्टर्स चैनल. छोटी सिस्टर, मेरी छोटी बहन की बात अगर आप कर रहे हैं तो जी, वो मेरे चैनल पे भी शायद आपने देखा होगा उसे. हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम फसीह हसन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मिर्ज़ा अरसलान बेग, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा. हशमत क्यों बंद हुआ था? हुआ तो नहीं है बंद, मेरे ख़्याल से अभी प्यार है. आप अपनी बहन से ज़्यादा प्यारी हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, हम दोनों एक जैसे ही लगते हैं. जी पीजी के समोसे अभी भी बहुत अच्छे हैं, 6 रुपए का एक समोसा हो गया, बस फर्क कितना है. पाकिस्तान में एक 4-5 मस्जिदें होती हैं, पाकिस्तान में एक मोहल्ले में 4-5 मस्जिदें होती हैं. हमारे एरिया में तो एक ही है, हो सकता है एक आध और भी हो, पता नहीं. अच्छा जी, अब अमिताभ सोलंगी, नाइस टू सी योर कॉन्फिडेंस. मैं पहले नहीं थी क्या कॉन्फिडेंट जो आपको लग रहा है? लग आप बहुत प्रिटी हो माशाल्लाह, आप ग्रामीण की नहीं देते हैं, आप हिजाब पहनना क्यों स्टार्ट कर दिया? इसके ऊपर भी एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, मैं इतने उसमें क्या बताऊँ. छोटी सी बात, ड्रामे इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं पहले इसी फील्ड से रिलेटेड थी, लेकिन अब मैं एक्टिंग छोड़ चुकी हूँ, अब सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है तो बस. अच्छा, आप ग्लासेस लगाएं तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी, मुझे मेरी आंखें बहुत ही पसंद हैं, ग्लासेस मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करते. कैसी हैं अनम आप? गुलाम मुस्तफ़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. साथ फूड एंड लाइफ, हेलो. जौहर का मौसम कैसा है? मैं यूएई में जौहर को बहुत मिस करता हूँ. जौहर का मौसम इस वक्त अभी फ़िलहाल पूरे कराची का जैसा वैसा ही है, जौहर कोई अलग से तो जगह नहीं है जिसका अलग से होगा. फ़िलहाल सर्दी हो रही है यहाँ पर. मैं बालाकोट में नहीं थी, वो मेरी नजरीन पुरानी वीडियो थी, उसको मैंने एडिट करके शॉर्ट्स में डाला था. मिर्ज़ा अरसलान बेग,
है मेरे पास गिम्बल अगर आप वो बात कर रहे थे तो, लेकिन वो अभी ज़्यादा इस तरह से सही लगेगा क्योंकि उसको भी ऑपरेट करना मुझे नहीं आता है। हेलो अनम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, बहुत शुक्रिया, आमीन। इंशाल्लाह मसूद अली, मैं आपको भी शादी में बुलाऊँगी, बस कभी यूएई आए और व्लॉग बनाए, अल्लाह ने मौका दिया तो जल्दी। किनार खान, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्राइडल की मेहंदी के लिए कोई अच्छी सी जगह बताओ कराची में। ब्राइडल की मेहंदी के लिए, ब्राइडल की मेहंदी के लिए पता नहीं, मैं इधर उधर देख कर कोशिश कर रही थी कि कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मुझे नहीं आइडिया। सुना है मीना बाज़ार बहुत मेहंदी के लिए फ़ेमस है, तो आप वहाँ जाकर लगवा लें, बाकी तो मुझे नहीं अंदाज़ा। ब्राइडल की मेहंदी हाथ पे जो अप्लाई होती है, आप मेहंदी, व्लॉगिंग का आइडिया आपका अपना था? व्लॉगिंग का आइडिया ना मेरा अपना नहीं था, व्लॉगिंग का आइडिया जिनका था उस वक्त मेरे साथ हैं और उन्हीं की वजह से मैं व्लॉग कर रही हूँ, मतलब मेरा कोई अपना आइडिया नहीं था। अगर मेरे पास होता तो मैं तो इतना लेजी हूँ कि मैं अपने फ्री टाइम में बिल्कुल उठकर कहीं जाना पसंद नहीं करती, तो व्लॉग्स तो बहुत दूर की बात है, तो इतना अकलमंद वाला दिमाग मेरा नहीं चलता। सऊदी अरब इंशाल्लाह जब भी आएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। कोई अपडेट? मीना मज़ार में जेंट्स हैं सब, कोई फ़ीमेल बताओ। नहीं, मेरे ख़्याल से उसमें फ़ीमेल्स भी होती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ जेंट्स हो? मैं खुद नहीं गई हूँ, इसलिए मैंने सुना है कि मीना बाज़ार बहुत फ़ेमस है मेहंदी के लिए, मुझे पर्सनली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस जगह से, लेकिन आप जाकर मालूम करें, मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स भी होंगी। जी मैंने छोड़ दी है एक्टिंग। आम्रपा जी क्यों नहीं आ रही हैं? आम्रपा जी इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि उनका गला थोड़ा सा ख़राब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। सारा इकबाल, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और ये कोई और ज़बान का अस्सलाम वालेकुम लग रहा है मुझे शायद लिखा हुआ, हाँ टर्किश में ये। वालेकुम सलाम मुस्तफ़ा, आमिर सलीम, पाकिस्तान में कहाँ रहती हो? ये डिटेल में ही बात हो रही है असल में, वन ऑन वन कॉन्वर्जेसन ही कहलाएगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं आप सबके सेपरेटली कमेंट्स पढ़कर उनका जवाब दे रही हूँ अलग अलग। बहुत शुक्रिया आपका, बाकी व्लॉगर भी हमारे कमेंट्स पढ़ रहा है, कमाल हो गया आज तो। देखें आप लोग रोमियो टाइम्स, आप देखें मैंने सारे आपके कॉमेंट्स पढ़े। टी एस एम आर, अच्छा अस्सलाम वालेकुम अमेरिका से, वालेकुम सलाम पाकिस्तान से। तबीयत तो सही है आपकी, बहुत वीक हो गई हैं, वीक पता नहीं हो सकता है। हाँ अच्छा, जवेरी और रेहान की शादी है, कुछ दुआ दे दो, प्यारी सी वीडियो अपनी जवेरिया को भेजो। जवेरिया और रेहान की शादी है, अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, आपका नसीब अच्छा करे, बस अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी अच्छी अच्छी रहे, यही दुआ है मेरी तरफ से तो आप लोगों के लिए। एनहांस द ग्लो ऑफ योर स्किन, ग्रेशियसली प्रोवाइड अस विद फ्यू टिप्स सो दैट वी कुड इम्प्लीमेंट ऑन इट। नए कमाल से इंसान का चेहरे पे नूर आता है। ये मिर्ज़ा अरसलान बेग जो आपको कॉमेंट्स में दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे क्लासमेट हैं, और अरसलान अब मैंने आपकी पोल पट्टी सारी खोल दी है, ठीक है। एमन आपकी कज़न है, कौन सी एमन? अली अहमद, कौन सी एमन की बात कर रहे हैं आप? अपनी स्टडी के बारे में कुछ बताएं, मैं मास्टर्स कर रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मेरा ये अगला साल जो है कमिंग ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, और अपनी स्टडी के बारे में बता दी मैंने। आपकी आँख का रंग हरा है या नीला या हेज़ल? मेरा जो आई कलर है वो हेज़ल ग्रीन है।
मूसा हसन, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह नम यू लुक गुड, थैंक यू। अच्छा टर्किश में मुस्तफ़ा कुछ लिख रहे हैं, मेरी ना समझ में नहीं आ रहा इसकी वजह से, पता नहीं प्रोनाउंस भी करना नहीं आ रहा मुझे। टर्किश ड्रामे तो मैंने देखे हैं लेकिन मुझे इतनी कोई ख़ास टर्किश आती नहीं है। वैसे तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं बस आधे घंटे के लिए लाइव आऊँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स करे हैं, मैंने सबके ऑलमोस्ट जवाब दिए हैं। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई कोई इम्पॉर्टेंट कोई ऐसा सवाल था कि जो मैंने नहीं पढ़ा है आपका और मुझे जवाब देना चाहिए था, तो जब मैं लाइव एंड करूँगी तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आऊँगी तो मैं ध्यान में रखूँगी और मैं उन सब सवालों का जवाब आप लोगों को दे दूँगी। जासिम इकबाल, थैंक यू। अच्छा जी, और आपकी न्यू वीडियो नहीं आ रही शॉपिंग की, इंशाल्लाह अब आपको मिलेगी। वीकनेस के बारे में बताएं कुछ, वीकनेस, मैं वीकनेस के बारे में क्या ही बताऊं, मैं न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं हूँ। खाएं पिए जान बनाएं और क्या बोलूँ। अच्छा, न्यू एपिसोड्स ऑफ अपकमिंग ड्रामास, मैं ड्रामास में अब काम नहीं करती हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैंने अभी आपका आई आपको लाइव देखने। अच्छा थैंक यू शीरिन फातिमा। अच्छा आप अपनी, वालेकुम सलाम, नाइस सेशन हैज़ बीन गोइंग ऑन, थैंक यू। मैंने हर जगह सबका मजाक बनाया बट आपके कमेंट सेक्शन में कुछ रॉन्ग बोलने का दिल नहीं चाह रहा, अप्रिशिएट। रोमियो टाइम्स वैसे देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब क्या ज़रूरत है मजाक बनाने की किसी का। अब बेहतर है क्रिटिसिज्म से आप पॉजिटिविटी फैलाएँ, चाहे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आपके पास से फिर सबको। पैसे ख़त्म हो गए थे मेरे पास, आपको बड़ा पता है। सारी बातें मैंने आप ही को ही बताई थी। वासिक रफ़ीक, हर सवाल के जवाब में दूसरी साइट देखती हूँ, दूसरा लेजेंड कौन है, सब बता दूं आपको, कोई बात भी मतलब छुपाऊं नहीं, सब बता दूं हर सवा। अच्छा पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान में, जी मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ। क्या आप क्या व्लॉगिंग रेगुलर किया करेंगी? नहीं मैं रेगुलर तो नहीं कर पाऊँगी लेकिन फ्रिक्वेंटली व्लॉग्स अपलोड करूँगी, कोशिश तो यही है फ़िलहाल। आप भी दुआ करें कि मैं अगर सोच रही हूँ तो ऐसा ही करूँ। आप पॉजिटिव हैं, आप भी बहुत पॉजिटिव हैं। हाँ जी मैं तो बहुत पॉजिटिव ऐसा मुझे कोई कहता नहीं है लेकिन मैं अपने आप को बहुत कहती हूँ मैं पॉजिटिव हूँ। लोगों का हक खाना सीखें प्लीज़। हक अरसलान, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, इसको मैं क्या समझूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप किस क्लास में हो? मैं मास्टर्स कर रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे मैंने बताया भी अभी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर हो चुका है, सेकंड ईयर रहता है अभी। हशमत एंड सन्स का मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुझे कोई अपडेट नहीं है क्योंकि मैं वो शो करती थी और अब क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। आप ड्रामा प्रोजेक्ट क्यों नहीं करती, ये सब मैं बता चुकी हूँ, तो मैं आज के बाद मुझसे तेरी बात करती। अच्छा ये शेर था, ज़बरदस्ती मैं बोल रही हूँ आपसे कुछ मतलब कोई बात करें ढंग की, आप शेर लिख के भेज रहे हैं। हो सके तो मेरे वलीमे पर ज़रूर आइएगा नॉर्थ नाजमाबाद में, फुल बिरयानी स्पाइसी। जी जी इंतज़ार रहेगा न्यू वीडियो शॉपिंग का, मैं ज़रूर बनाऊंगी न्यू वीडियो अब आपके लिए शॉपिंग की। अस्सलाम वालेकुम, आप रेगुलर वीडियो बनाया करें, मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियो बनाया करूं। बहुत शुक्रिया सारा आपका। आप जॉब करेंगी? जॉब फ़िलहाल तो मेरा इरादा नहीं है अभी, मुझे देखते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। स्टूडेंट्स जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, उन्हें टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए? देखें आपके अपने ऊपर होता है, दो तरीके होते हैं, अगर आप मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आप पार्ट टाइम फिर जॉब कर सकते हैं, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाए उसके बाद की आप जॉब लें।
या तो आप ऐसा करें कि आप मॉर्निंग में जॉब करें और फिर इवनिंग में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ताकि आप दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज कर सकें। पाकिस्तान से बाहर कितनी बार गई हैं? मैं नहीं गई हूँ एक भी बार। मैं इंडिया से हूँ, आपकी वीडियोस काफ़ी पहले से देखता हूँ। मिस्टर स्ट्रगलर थैंक यू। मेरी एक अमार नसीम रिक्वेस्ट है आपसे। जी बोलिए। ये लाइव वीडियो डिलीट मत करिएगा प्लीज़, मैं जवेरिया रेहान की शादी वाली क्लिप कट करके भेजनी है वाइफ को। बिल्कुल बिल्कुल आप भेज दीजिएगा। ओके ओके वासेक बाय बाय। आप ट्रेन व्लॉगिंग क्यों नहीं करती? क्या बोलूँ। तलाल सलीम मैम आप जॉब करती हैं? नहीं नहीं मैं नहीं करती हूँ जॉब। आपकी बर्थडे व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू। वैसे ही स्पॉन्टेनियस बनता है, वैसे हम ऐसा कोई प्लान नहीं होता, सब कुछ ऐसे कर रहे होते हैं और फिर बन जाता है। मैंने ऑलमोस्ट आप सबके जवाब दे दिए हैं और जी मुझे भी अरसलान कोई और याद आ गया इनकी पोइट्री देखकर, क्योंकि आओ कुछ वीडियो में बनी थी छोड़ दिया आपने क्या, क्योंकि आपने कुछ वीडियो बनाई, पता नहीं क्या बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलालुद्दीन। अच्छा मेरा कमेंट को क्यों छुप जाता है, मुझे मासूम को भी कमेंट ट्रीट कर लिया करें। एफके स्टेटस स्टूडियो, मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे कॉमेंट्स ही रीड करें, छोटी सी उस वक्त से आपकी वीडियो देखता हूँ। अच्छा नहीं बस अब एंड हो रहा है आप। अच्छा सही है, हम साथ मिलकर एंड करते हैं। जिन जिनको ख्वाहिश हो रही थी कि मेरी बहन से मिलने की, वो देखें वो आ गई हैं। चलो उधर आ जाओ। ये आ गई हैं आमरा जावेद और अब हम क्या। अच्छा आपको पाकिस्तान के करीबी ममालिक जाना चाहिए, यानी ईरान, यूएई, सऊदी अरब। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश है। बिल्कुल ज़बरदस्ती का आ रही है ना। नहीं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और ज़रूर जाएंगे, और जब जाएंगे तो व्लॉग बनाकर आपको भी दिखाएंगे। ट्रेन की बात कर रहे थे आप, कौन सी ट्रेन क्या ट्रेन, रेलगाड़ी, पता नहीं तुम पहले से कर। हाँ पता नहीं कुछ ट्रेन का कुछ ट्रेन की वीडियोस बनाती थी। योर मॉम माशाल्लाह वेरी यंग, आपने कहाँ देखा मम्मी को? ये मेरी बहन है वैसे। पागल वागल तो नहीं हो गए क्या? दिमाग सही कंट्रोल कंट्रोल। वो आपको नहीं कह रहे, उनको पता है कि कमेंट्स में सबने बोला कि अपनी सिस्टर को बुलाएं, ये वैसे बोल रहे होंगे वीडियोस देखकर। अरे तुम्हें नहीं पता मैं लाइव जाती हूँ ना, तुम्हारा पहला लाइव है मुझे पता सब, ये जानबूझ के करते हैं। अच्छा आपको पाकिस्तान ये तो हो गया। अब इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आमरा को तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, देखा बिलालुद्दीन कह रहे हैं। जावेद के आप तो प्यारी हैं बट हिजाब वाली का नाम तो बताओ। आप जिसके चैनल पे लाइव देख रहे हैं आपको उसका नाम ही नहीं पता, और आप जिसका नाम ले रहे हैं उसका नाम भी आप गलत ले रहे हैं। इनका नाम आमना नहीं है, इनका नाम आमरा है, मेरा नाम अनम है और ये चैनल मेरा है, इनका चैनल का नाम मीट आमरा है। अच्छा अल्लाह आप दोनों को हैप्पी रखे, आमीन। इतना टैलेंट कहाँ से आया आप में? मुझे मेरे अंदर कोई टैलेंट दिखाई नहीं देता। मेरे अंदर से आया, इसमें थोड़ा बहुत जो है। बाजी आ गई, जी बाजी आ गई। हाय आमरा तुम वही हो ना? वही है, मैं वही हूँ, वही जो आप मेरे चैनल पर देखते हो बिल्कुल वही हूँ। अच्छा माशाल्लाह से नाइस इंटरेक्शन। कौन से शहर में रहती हैं आप? मैं रहती हूँ कराची में। मैं क्या बोल रहे हैं, ट्रेन वाली वीडियोस का कह रहे हैं ये, पता नहीं मैंने ट्रेन वाली कभी भी नहीं बनाई। हाँ मैंने तो ट्रैवल व्लॉग भी बनाया, तो भी मैं ट्रेन में नहीं बनाया मैंने तो। मैं तो बैठी ट्रेन में ज़िंदगी में एक बार हूँ, वो भी ऐसी बुरी लग रही हूँ। हटी जो कहते हैं जी, मेरी वाइफ ने पेज लाइक किया है, मैं तो नोटिफिकेशन देख देख के वीडियो देखने लग गया। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। ये तो हाँ जी उनके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते थे। अहमद जावेद जी जी वो मेरे भाई हैं और
और इंशाल्लाह आपको उनके व्लॉग्स भी जल्दी देखने के लिए मिलेंगे. हम उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि आप दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें. क्या आमरा की आँख का रंग भी हेजल ग्रीन है? जी जी, इनकी आँखों का रंग भी हेजल ग्रीन है. इतना करीब से दिखाने की ज़रूरत नहीं, डर जाएंगे सब. लव फ्रॉम लाहौर. माशाल्लाह से आप अपनी ऑडियंस के साथ भी कभी फूड चैलेंज करें, ऐसा कभी सोचा नहीं है. ये बहुत इनोवेटिव और यूनिक आइडिया है, इंशाल्लाह कभी इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला तो ज़रूर करेंगे. मेरी बेटी आप दोनों की फ़ैन है. अरे वाह, बहुत शुक्रिया. कभी आप उन्हें भी हमारा व्लॉग दिखा लिया. हाँ, दोनों की. अमरबाजी, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. नजनीन यूनुस. थैंक यू सो मच. मैं भी आऊँगी कुछ दिनों में लाइव, उधर भी बोल दीजिएगा सेम चीज़. आप अपनी बेटी को अमर यासी अमर नसीम आप लेकर आइएगा कभी. जब हम लाइव वीडियो कर रहे हो तो हम ज़रूर उनसे बात करेंगे. मुझे लग रहा है तलाल मेरे क्लासमेट हैं, जिस तरह से ये बार बार आ रहा है ना. मैं तलाल सलीम. तलाल तुम 2000 याद रखना बेटा, मैं यहाँ बोल दूँगी तो फिर बुरा लगेगा. खाना सिखाएं लोगों को. हाँ, आप सिखाएं. आप बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें. मेरी फुप्पो भी कराची में रहती हैं. अच्छा जी, मैं कराची से ही हूँ. अच्छा, वाह. आपकी ये तलाल यूके. अच्छा, बहुत कंजूस हो तुम तो. हमें याद है जब तुम जा रहे थे ना. आप देखें, तलाल सलीम आपको एक कमेंट्स में दिखाई दे रहे होंगे. तलाल सलीम मेरे क्लासमेट हैं और अभी फ़िलहाल ये गए हैं लॉ पढ़ने यूके. और ये बहुत कंजूस हैं. इन्होंने हमें जाते वक्त इतनी कंजूसी से ट्रीट दी थी, उसमें पैसे हमने ही दिए थे. कराची में कहाँ से हैं आप? हाँ, देखें अरसलान, मैं इनको 2000 याद दिला रही हूँ. अब ये बार बार कह रहे हैं हक खाना सिखाएं. मैं सोच रही हूँ बताऊँ यहाँ पर सबको. आपका फेवरेट खाना? अरसलान भी वही है. फेवरेट खाना मेरा बस जो फ्री मंगला था वो फेवरेट हो जाता. फेवरेट खाना मेरा ज़्यादा फास्ट फूड नहीं पसंद. मुझे ज़्यादा ऐसे घर के खाने सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है. ओ भाई, मुझे मारो. वो तो तुम यहाँ आओगे तो हो सकता है. अच्छा, चले, बहुत सारी बातें हो गई हैं आप लोगों के साथ. और फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी लाइव आए या वीडियो बनाकर आपसे दिखा सकें आपको. ये लाइन से इतनी जल्दी मैं एंड कर रही होती तभी थोड़ा कॉमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं. बिरयानी नहीं पसंद? बिरयानी भी पसंद है मुझे. इंशाल्लाह आएंगे. ठीक है, अब आप संडे बाज़ार में मुलाकात हुई थी. मैं वहीं रहती हूँ उस वक्त सामने. अच्छा जी, बेस्ट फेवरेट मूवी. मेरी फेवरेट मूवी बहुत सारी हैं, एक नहीं बता सकती. अब मैं इस लाइव सेशन को एंड करती हूँ. फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के थ्रू या फिर कभी और दोबारा लाइव आना हुआ तो. और जल्दी जल्दी से आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी. मेरी इस वक्त यही कोशिश है कि हम जल्दी वीडियोज़ बनाएँ और ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन होता रहे. और मीट आमरा सब्सक्राइब करना. जी, मीट आमरा को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा. और जो लोग नए हैं इस वक्त, वो सारी वीडियोज़ जाकर देखें और कॉमेंट्स करें. मैं आप सबको रिप्लाई करूँगी. ओके, खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. आवाज़ कैसी ख़राब लग रही है. ये चाहे किसकी.